हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेंड चैनल। आई एम जोहिब संधु एंड यू आर वाचिंग ब्लेंड चैनल। और आज की वीडियो के अंदर व्यूवर्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फोटोशॉप और इन पेज के बग़ैर जो है अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए किस तरह से स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जो है पावर डायरेक्टर ऐप के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एनिमेटेड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जो है आप पावर डायरेक्टर ऐप के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो को वॉच कीजिए लास्ट तक और इसके साथ ही कमेंट में हमें बताइए कि ये वीडियो, ये ट्रिक जो हम यूज़ करने वाले हैं, ये हमारी कैसी रही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। व्यूवर्स, के लिए हमें सिंपली दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक पावर डायरेक्टर ऐप की और सिंपली दूसरी जो है पिक्सल ऐप, जिस तरह की आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही हैं। तो चलिए हम अपनी जो है पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है आपने टाइप कर लेना है। हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं और यहाँ पर आपने कुछ भी जो टेक्स्ट है वो एंटर कर देना है उर्दू का। चलिए हम यहाँ, और यहाँ पर आपने इसको एक ही सीध के अंदर कर लेना है ताकि हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप इसको साइज़ को जो है वो बोल्ड भी कर सकते हैं और इसका साइज़ जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने सिंपली टेक्स्ट पे जाना है और इसको बोल्ड चाहे तो कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसका साइज़ जो है वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद व्यूवर्स, आपने राइट हैंड से दूसरे ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपने लेफ़्ट साइड से कलर के साथ जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। व्यूवर्स, इसके बाद हम जो है अपना पावर डायरेक्टर ओपन कर लेते हैं। और इसको ओपन करने के बाद जैसे ही ये ओपन होगा तो अपना जो कोई भी वीडियो जो है हम इंसर्ट करेंगे, इसके ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ से ओके कर देना है सिंपली। और यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हम ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ से कोई वीडियो उठा लेते हैं। और उसके बाद व्यूवर्स, क्या करना है, हमने इस पर क्लिक कर देना है और सिंपल जो है लेयर के ऑप्शन पे जाना है। और इमेज के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से कलर बोर्ड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं यहाँ पर ब्लैक करने वाला यूज़ हूँ और उसको इंसर्ट कर देना है अपनी पट्टी के ऊपर। और इसके बाद अगेन से आपने और हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर अगेन से इसके ऊपर जो है अब हमने वीडियो के ऊपर जो है दोबारा से लेयर के ऊपर जाने के बाद इमेज का ऑप्शन जो है वो लाना है। और इस दफ़ा हमने वो वाला जो इमेज हमने बनाया था पिक्सल लैब के अंदर, अब हम वो वाला इमेज उठाकर लाएंगे। पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये हमारा जो इमेज है वो आ चुका है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर इसको ले आते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने एक्सपेंड कर लेना है और पूरी जो है टेक्स्ट उसके ऊपर जो है हमने ले आना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आपने एक्सपेंड कर लेना है पूरी स्क्रीन के ऊपर। और एक्सपेंड करने के बाद जितना आप नीचे थर्ड जो है लोअर थर्ड जो रखना चाहते हैं, बॉर्डर का साइज़ जो रखना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। और इसको एडजस्ट करने के बाद व्यूवर्स, दोबारा से जो हमने पिक्चर अपनी एडजस्ट की है उसको ऊपर ले आना है और इसका साइज़ जो है इसको छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप और हम एडजस्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आपने क्या कर देना है, प्ले का बटन जो है वो प्रेस कर देना है और आपको पता चल गया है कि हमारी पट्टी तो बन गई है लेकिन एनिमेट अभी तक नहीं हुई। इसके लिए व्यूअर्स, हमें सिंपली क्या करना होगा, हमको अपने बॉर्डर के ऊपर और अपनी जो इमेज जो है टेक्स्ट वाली, इन दोनों के ऊपर जो है हमने इनको स्प्लिट करना होगा। तो चलिए दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। व्यूवर्स, आपने थोड़ा सा मूव करना है और यहाँ पर भी आपने इसको स्प्लिट कर देना है। और इस जो है सेटिंग वाला ऑप्शन पेंसिल के नीचे दूसरा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद आपने इस पर भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा वक्फ़ा दे लेना है और थोड़ा सा मामूली सा, और आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है इसी तरह। तो चलिए मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ और नीचे वाले पे भी कर देता हूँ और इसी तरह आपने सारी के ऊपर मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आपने कर देना है। समझ तो आप लोगों को आ ही गई होगी।
और इसके बाद भी अगेन से आपने सारी के ऊपर कर देना है। से एनिमेशन अपनी बनानी होगी। अगर व्यूवर्स आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।